रविवार के डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में लखनऊ के नवाब भिड़ेंगे गिल के टाइटन से। लखनऊ ने चिन्नस्वामी में बेंगलुरु को हराकर लगातार दूसरी जीत अपने नाम की। वहीं शशांक सिंह की धमाकेदार पारी ने गुजरात को करारा झटका दिया और पंजाब की झोली में डाल दी जीत। क्विंटन डिकॉक ने एक शानदार पारी खेलकर लखनऊ को एक यादगार जीत दिलाई। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने भी पंजाब के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन अच्छा खासा स्कोर खड़ा करने के बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ के गोल्डन बॉय मयंक यादव ने बेंगलुरु को ध्वस्त करने वाले स्पेल में रफ्तार की और भी सीमाएं तोड़ दी। हालांकि रवि बिश्नोई ने सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं की है, ऐसे में वो जल्द से जल्द अपनी लय हासिल करना चाहेंगे। गुजरात की बात करें तो राहुल तेवतिया ने अपने आक्रामक अंदाज की कुछ झलकियां दिखाई, लेकिन आम तौर पर भरोसेमंद मोहित शर्मा का पंजाब के खिलाफ खराब दिन रहा। रवि बिश्नोई और राशिद खान दोनों ही शानदार स्पिनर हैं और अपने दिन पर मैच पलटने का मादा रखते हैं, लेकिन इस सीजन में अब तक ये दोनों स्पिनर अपने रंग में नहीं दिखे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस मैच में इन दोनों में से कौन अपनी फिरकी का कमाल दिखा पाता है। अभी तक ये दोनों ही स्पिनर महंगे साबित हुए हैं, ऐसे में केएल राहुल और शुभमन गिल को उम्मीद होगी कि उनके ये दोनों गेंदबाज जल्द से जल्द अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दें। बेंगलुरु में शानदार जीत के बाद लखनऊ की टीम के हौसले बुलंदियों पर होंगे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात को अभी भी पंजाब के खिलाफ मिली करारी हार से उबरना बाकी है। ऐसे में एकाना स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में लखनऊ के नवाब अगर गुजरात को पटखनी दे दें तो हैरान मत होइएगा।